खबर अब जोधपुर से है, जहां केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए दीपावली के अवसर पर धनतेरस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर कहा कि आने वाले समय में एयरपोर्ट टर्मिनल पूरा हो जाएगा, जो जोधपुर की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको, आपके सभी दर्शकों को और सभी मारवाड़ वासियों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज भगवान धन्वंतरी का दिवस है, जो आयुष के और स्वास्थ्य के देवते हैं। मैं आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, क्योंकि आज लक्ष्मी के पूजन का दिन भी है, आप सब के घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आने वाले समय में ये जो एयरपोर्ट का विकास जिस गति से हो रहा है, 3-4 महीने में हमारा नया टर्मिनल विकसित हो जाएगा और उसके बाद में बहुत सारी चुनौतियाँ समस्याएँ जो हमारे पास में हैं वो समाप्त होंगी। जोधपुर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आज जोधपुर अहमदाबाद से, हैदराबाद से, चेन्नई से, कोलकाता से, जोधपुर, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, इन सब शहरों से तो जुड़ा ही है, लेकिन आने वाले समय में टर्मिनल विकसित होने के बाद में जोधपुर देश के अन्य बड़े शहर। और अब बालोतरा से बड़ी खबर, जहां कुड़ी गांव के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। कुड़ी गांव के समीप ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान गई और कई लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। सभी स्थानीय लोग थे। निजी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। तीन लोगों की इस हादसे में जान गई है। कुड़ी गांव के समीप ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। श्रीगंगानगर के पदमपुर में डीएम डॉक्टर मंजू के निर्देश पर ग्राम पंचायत घुमड़वाली में रात्रि चौपाल लगाई गई, जिसमें ग्रामीणों ने अतिक्रमण और पट्टों को लेकर एसडीएम को समस्याएं बताई, जिस पर उपखंड अधिकारी ने जल्द समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया और इस दौरान जनसुनवाई में एसडीएम ने नशे को लेकर भी शपथ दिलाई। फिर वो बंद हो जाता है तो पड़ोस में चोरी करने लगते हैं। फिर बिल्कुल ही आ जाता है तो स्कूल की टूटी खोल जाता है। एक शरीर जो खत्म होता है उसके बारे में आपको पता है, और ये जो गोलियां कितनी नुकसानदायक है उसका आप सबको। अब अपनी जो कलेक्टर मैम है, इन्होंने बहुत ही सीरियसली इसको एक अभियान से रूप में हमें सहयोग करना है जितना हम कर सकते। 2-3 बात मैं आपको बताता हूँ, आप वो कर दीजिए, जिससे ज्यादा नहीं। आप कल अपने घर में ध्यान रखिए, आपके बच्चों पे। और सुमेरपुर में धनतेरस पर बाजार गुलजार हैं। सुमेरपुर, तखतगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार सज गए हैं। वहीं भोर में महिलाओं ने धन रूपी मिट्टी और औषधि रूपी आंवल के फूल अपने घरों में वो लाई, जिसका पूजन होगा। सुमेरपुर में वर्षों पुरानी परंपरा को नगरवासी मनाते आ रहे हैं। आज का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ है, जब लोग कपड़े बर्तन के साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोने चांदी की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तक मुझे जानकारी है, पहले बहुत पहले की बात है, तब ये बच्चियां और महिलाएं वगैरह तालाब में जाती थी, मिट्टी उस तगारी में भर करके उसके ऊपर आंवल के फूल जो पीले होते हैं वो लगा करके घर आती थी और उसका पूजन करती थी, और वो जो मिट्टी लाई हुई होती थी उसी उसकी ही वो उसमें गोबर मिला करके फिर वो अपने घर के आंगन में वो लीपती थी। पहले पूजा करती थी फिर वो लीपती थी, तो ये परंपरा बहुत पहले थी। अब धीरे धीरे क्या है कि कालांतर में ये मकान सारे के सारे पक्के बनते गए, फर्श वगैरह सब पक्का बन गया,
अब उसके बाद में ये परंपरा धीरे। जैसलमेर के रामदेवरा में धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर बाबा रामदेव का समाधि स्थल विशेष रूप से फूलों से सजाया गया। पुष्कर से आए जीवन राम माली की तरफ से समाधि स्थल और संपूर्ण परिसर में ये फूलों की विशेष सजावट हुई है। इस सजावट में 1.5 क्विंटल से अधिक विविध प्रकार के फूलों का उपयोग हुआ है, जिसे सजाने के लिए 12 घंटे से अधिक का समय लगा है। एक किलो फूल है, इसमें कलकत्ती है, ग्लाइड है, काटा है, लेमन है, गुलाब है, रेड गुलाब है, पिंक गुलाब है, ऐसे करके 500 किलो गुलाब है, 500 किलो फूल है ये। और ये दिवाली के मौके पर कॉन्फ्रेंस का मतलब पूरा मंदिर सजेगा, ये 5 आदमी लगे हैं, ये सुबह 10-11 बजे मंदिर से। खबर शाहपुरा से है, जहां धनतेरस पर एक अनोखी परंपरा देखी गई। हाजीवास गांव में धनतेरस के पर्व पर महिलाएं भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में पीली मिट्टी घर लाती हैं। वहां के लोगों की मान्यता है कि जितनी अधिक मिट्टी लाएंगे उतनी ही अधिक घर में समृद्धि आएगी। कस्बे के पास पीली मिट्टी की एक छोटी खदान है, जहाँ से महिलाएं पूजा अर्चना करके पीली मिट्टी घर लाती हैं। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। वहीं रामगढ़ उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल सूरा ने बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद निर्मल सूरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर आज़ादी के करीब 75 साल बाद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पोखरपुरा ब्रिजपुरा के वाशिंदों के लिए ये दीपावली विशेष सौगात लेकर आई है। रामदेवरा सरपंच की तरफ से विशेष अभियान चलाकर पूरे इलाके में विद्युत पोल गार्ड कर ट्यूब लाइट लगाई गई। ऐसे में इस बार यहाँ रहने वाले 2000 से अधिक घरों की बस्ती दीपावली का जश्न और उत्साह साथ ही जोश के साथ मनाएंगे। देवरा शायद राजस्थान में सबसे हाईटेक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के आदरणीय सरपंच श्री समंदर सिंह जी तंवर के नेतृत्व में गांव में बहुत ही अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, जिसके तहत हमारे वार्ड संख्या 18 पोखरपुरा और ब्रजपुरा में 60 साल से ये बस्ती आबाद है। तो पहली बार यहाँ जो रोड लाइट का काम हुआ है, हर घर है जो रोशनी से जगमग हो गया है। हर घर के आगे खंभा लगाया गया है और लाइट लगाई गई है। पूरी बस्ती में मतलब कॉलोनी वैसे ठीक ही थी, रोडें तो पहले से बनी थी, अभी भी खूब रोडें बन रही है। और अब उदयपुर से बड़ी खबर, जहां डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शराब से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है। दोनों गाड़ियों से कुल 795 शराब के कार्टन जब्त किए गए हैं। तस्करी के लिए गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। डीएसटी प्रभारी धनपत सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शराब से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया। दोनों गाड़ियों से कुल 795 शराब के कार्टन जब्त किए गए। करीब शाम को 9 बजे के लगभग श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास मुखबिर की इतला थी। इस पर उन्होंने डीएसटी के करतार सिंह व चंद्र प्रसाद जी को व थाना अजय की टीम के साथ में हम लोगों ने बाणमाता नाकाबंदी की, आइसर गाड़ी को डिटेन किया। मौके पर जो ड्राइवर था भंवर दास, उसको हमने पूछा उसके लाइसेंस वगैरह बारे में। उसके पास कोई वैध कागजात वगैरह नहीं, न किसी तरह का कोई लाइसेंस था। मौके पर ही फौरी कार्रवाई कर तत्पाल को थाने पर लाए गए। फिर पूरा चेक किया तो करीब 761 पेटी अवैध शराब की मिली। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ धीरज रावल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ पूरी जानकारी, डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ इनपुट मिला था, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, उदयपुर की डीएसटी टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी कि उदयपुर जिले के गोगुना और संबलपुर गुजरात के समीप जो पांडरा थाना क्षेत्र लगता है, जिसके दैया गांव के अंदर शराब
की जो है उसकी सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस जो है डीएसटी की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद यहां पर कार्रवाई की गई। यहां पर अगर बात की जाए तो उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर बगुदा गांव जो है उस इलाके में कार्रवाई की गई है, वही दैया गांव के अंदर कार्रवाई की। दोनों ही कार्रवाई के अंदर 795 पेटी शराब की जो है वो यहाँ पर पुलिस ने जब्त की है। वही दोनों दोनों गाड़ियों से जो है करीब 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, जो ड्राइवर और खलासी जो थे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि डीएसटी की टीम उदयपुर से अगर वहां जाकर वो कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं संबंधित थाना क्षेत्र पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस प्रकार की अगर तस्करी जो है वो यहाँ पर हो रही है तो कहीं ना कहीं थाना क्षेत्र की मिलीभगत तो नहीं है, उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल जो है वो यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि संदिग्धवर्ती इलाके होने के कारण और दिवाली होने के कारण कहीं ना कहीं शराब की तस्करी जो है वो राजस्थान से गुजरात की तरफ की जा रही है, उसको लेकर के डीएसटी की जो कार्रवाई है वो इस पर यहाँ पर की गई है। चलिए धीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर, जहां डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शराब से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है, दोनों गाड़ियों से कुल 795 शराब के कार्टन जब्त किए गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सहकारिता विभाग की ओर से पटाखा बिक्री का मामला, 11 बजे शुरू होती है पटाखों की बिक्री, सुबह 8 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं, तय समय से लेट गेट खोला गया। लोगों का कहना, स्टॉक खत्म होने से पटाखे नहीं मिले, स्टॉक खत्म होने से लोगों को पटाखे नहीं मिल रहे, सुबह 8 बजे से लोगों की लंबी लाइन लग जाती है, तय समय से लेट गेट खोला गया। 11 बजे पटाखों की बिक्री शुरू होती है आमतौर पर, और आज 11 बजे बाद भी गेट नहीं खुला, स्टॉक खत्म होने से लोगों को पटाखे नहीं मिल रहे, लंबी कतारें, सुबह 8 बजे से लोग लगाना शुरू कर देते हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से लंबी कतारें सुबह से ही लोग लगा लेते हैं, लेकिन आज 11 बजे बाद भी गेट नहीं खुला और स्टॉक खत्म होने के चलते लोगों को पटाखे नहीं मिल रहे हैं। सहकारिता विभाग की ओर से पटाखा बिक्री का ये मामला, 11 बजे बाद भी गेट नहीं खुला, स्टॉक खत्म होने के चलते लोगों को पटाखे नहीं मिल पा रहे हैं और सुबह से ही लोग पटाखों के लिए लंबी लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब गेट भी तय समय से लेट खुल रहे हैं। आज 11 बजे बाद भी गेट नहीं खुला, स्टॉक खत्म होने के चलते लोगों को पटाखे नहीं मिल पा रहे। और अब जयपुर से खबर, जहां स्टेट वाइल्ड लाइफ की पहली बैठक, शासन सचिवालय में बैठक का आयोजन, वन मंत्री संजय शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस समेत अन्य मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा, काफी अहम बैठक ये, और वन मंत्री संजय शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की, शासन सचिवालय में बैठक का आयोजन। स्टेट वाइल्ड लाइफ की ये पहली बैठक, जयपुर से एक खबर, स्टेट वाइल्ड लाइफ की पहली बैठक, वन मंत्री संजय शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की।